नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास है हमारी फंडामेंटल राइट्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री, जहां पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से जानेंगे, इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश ये करेंगे एग्जाम में जितने पॉइंट्स आ सकते हैं, बन सकते हैं क्वेश्चन, उन सबको देखें। तो सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी, पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज अपना प्यार जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले, एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ आप लोगों के लिए और नए वीडियोस बनाने हैं। तो प्लीज आप लोगों का ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके हम लोगों के साथ जुड़े रहें, वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं। जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे वीडियो को, जितना ज्यादा कमेंट करोगे, उतना ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसे बताया गया है। मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक के, ठीक है, जहां पे एक्चुअल में आपके राइट दिए गए, बाकी सब तो प्रोटेक्शन और बाकी इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर अगर ये कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूएसए और एक और यहाँ पे कंट्री आता है, वो आता है फ्रांस, जो आज के टाइम पर यहाँ पे जल रहा है। फ्रांस और यूएसए से यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। अब यहां पर अगर बात की जाए तो पार्ट थ्री में ये जो मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ये एक्चुअल में आया कहां से? बिल ऑफ राइट्स। तो सबसे पहले ये बिल ऑफ राइट्स है, मैग्ना कार्टा जो वर्ड यूज किया गया था, ये लंदन में जो क्रांति हुई थी सबसे पहली 1215 में, उसमें इसको यूज किया गया था। वहां पे सबसे पहले लोगों को अधिकार दिया गया, बाद में इनको रिटन में दिया गया, एंड उसके बाद अमेरिका में आया, यूएसए में मतलब कि अधिकार दिए गए, सॉरी यूएसए से पहले यहां पर दिया गया था फ्रांस में, उसके बाद यूएसए में दिए गए थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये है, जहां पर अलग अलग तरीके से अधिकार दिए गए लोगों को। शुरुआत में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, पर आगे चलकर महिलाओं को भी यहाँ पे काउंट किया गया। आगे चलकर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यहां पर भी ये सारी चीजें हुई। इंडिया में लगातार लोगों के राइट्स को लेकर बात हो रही थी, 1895 में बात हुई है, 1817 के आसपास बात हुई है, फिर एनी बेसेंट ने बात की है बिल ऑफ कॉमनवेल्थ बिल को लेकर बात की है, इंडियन राइट्स को लेकर। फिर 1928 में जवाहर नेहरू रिपोर्ट में आया है ये 1928 में। फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमको कांग्रेस के कराची अधिवेशन में देखने को मिलता है। तो हमें भी दिख रहा है कि हाँ, इंडियंस भी लगातार अपने राइट्स को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक तरह का क्या गारंटीड राइट है, कैसा राइट है? गारंटीड राइट है। गारंटीड राइट मतलब कि ऐसा अधिकार जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई स्टेट कोई पर्सन इस अधिकार को देने से मना नहीं कर सकता। आई होप बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। फिर यहां पे आती है बात, क्या, क्योंकि ये गारंटीड राइट्स हैं, इसलिए क्या ये इनको प्रोटेक्शन देने का भी काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आई आपको बेटा? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके बताओ, फीडबैक दो अपना, क्या आपको कमी लग रही है, ज्यादा लग रहा है, हम लोग उसके हिसाब से और काम करेंगे। अब यहाँ पे जरा समझ लो, ये वो तीन आर्टिकल है जहां पे अधिकारों की बात हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, राइट्स या ड्यूटी की बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के लोगों के द्वारा निभाए जाने वाला वो कर्तव्य है, जिसे हम लोग एक तरह से देखा जाए तो निभाते ही नहीं है कभी। देश के प्रति हम लोग ये कर्तव्य कभी नहीं निभाते, ये बात सत्य है। अब यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि पनिशेबल नहीं है तो हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते इसकी तरफ। अब फंडामेंटल राइट्स क्योंकि पनिशेबल है, अगर आपने अबॉलिश किया किसी का तो आप वहां पर सारे फंडामेंटल राइट फॉलो करते हो। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है पार्ट थ्री, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक आता है। कहां से लिया गया? फ्रांस और यूएसए से लिया गया, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यस, सारे के सारे फंडामेंटल राइट इमरजेंसी में सस्पेंड किए जा सकते हैं। आपको पता होगा ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर इसके अलावा केवल दो ऐसे अधिकार हैं 20 और 21 जिनको कभी भी एबॉलिश नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि केवल और केवल क्या इंडियन सिटीजन ही इंजॉय कर सकते हैं, कोई फॉरेन सिटीजन उनको इंजॉय नहीं कर सकता। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 17, 29 और 30। याद रहेगी ये बात, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कई बार फैक्ट ये पूछे जाते हैं ये सारे फैक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं छह राइट्स कौन कौन से। एक हमारा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक,
राइट टू फ्रीडम 1922 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसमें हमारी क्या पांच रेमेडीज दे रखी हैं, अगर कोई फंडामेंटल राइट को एबॉलिश करता है तो किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करेंगी हमको, किस तरह से प्रोटेक्शन देंगी, ये यहाँ पे आता है। तो इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। ये हो गई एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आती है बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर। देखो इसे मैं जरा हटाता हूँ यहाँ पे और जरा लिख कर बताता हूँ आपको। देखो बात समझो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके माता पिता, मतलब कि मदर एंड फादर, एंड यहां पर आ गए कौन, आप लोग, एक तरह से बोला जाए आप लोग कौन हो, यहाँ के सिटीजन हो, आपके घर के, या आपकी क्या हो, एक तरह से नागरिक हो, सिटीजन हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके माता पिता हैं, जो कि एक्चुअल में क्या है, स्टेट है, एक स्टेट बॉडी है। स्टेट बॉडी मतलब कि उस घर को चलाने वाले। अभी आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी मैं क्यों इनको स्टेट बॉडी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इनका कर्तव्य है कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, और आपका कर्तव्य है कि आप इनके कहने पर कुछ करेंगे। तो अब देखो, जो चीज आप डिमांड कर रहे हो भाई, आप जो इनके कहने पर करोगे वो तो एक तरह से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, किया नहीं किया बराबर हो गया, बट जो चीज आप डिमांड कर रहे हो ये तो हो गया आपका फंडामेंटल राइट। जो चीज आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, ये आपके क्या हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए। और जो चीज माता पिता के थ्रू, फैमिली के थ्रू आपको दी जा रही है, ये क्या हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। क्या होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। तो आपको जो मिला सामने से ये हो गई ड्यूटी, तो और आपने जो मांगा, डिमांड की, वो क्या हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां पर, समझ में आ गई बात। तो ये जो हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज, जो एक्चुअल में पेरेंट्स के, जिनको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहे हैं, इनको फंडामेंटल ड्यूटी ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कि स्टेट की क्या ड्यूटी है, कि वो अपने देश, स्टेट के नागरिकों के लिए कौन से काम करेगा, कौन से कर्तव्यों को निभाएगा, ये चीज यहां पर आती है। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि मैं माता पिता को स्टेट क्यों बोल रहा हूँ। स्टेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेट का मतलब कोई एक बॉडी से नहीं है, कि ये जो सीमा बनी हुई है किसी स्टेट की, पर्टिकुलर एरिया की, ये स्टेट है, नहीं। यहां पर स्टेट से मतलब है उस स्टेट की गवर्नेंस, उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, उस स्टेट में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सब उसका क्या है, हिस्सा है। तो आई होप आपको बात समझ आई। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एंड ऑल लोकल एंड अथॉरिटी बॉडीज ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में कोई भी ऐसा प्राधिकारी या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो भारत सरकार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए काम कर रहा है, वो भी क्या होगा, ये एज अ स्टेट ही काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। देखो जितना आसान मैं कर सकता था मैं उतना आसान करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। अगर इसके बाद भी बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो भाई ये तो फिर गड़बड़ है, सीधी सीधी बात। क्लियर है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स की जब यहाँ पे बात की जा रही है, तो सिटीजन्स को कौन से मिल रहे हैं, फॉरेन फॉरेन नेशंस के लोग कौन से नहीं मिल रहे, तो 15, 16 अभी बताया था, खैर 19। और कौन से राइट्स फंडामेंटल मतलब इंडियंस को और फॉरेनर्स को दोनों को मिलते हैं, 14, 20 और यहाँ पे 28 नंबर का, ये राइट्स सबको मिलते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, अगर कोई हमारा एनिमी है। अब आप कहोगे सर एनिमी पाकिस्तान है, एनिमी हमारा चाइना है, तो इस तरह से हम लोग एनिमी डिसाइड नहीं कर सकते। एनिमी हम तब डिसाइड करेंगे किसी व्यक्ति को जब कोई हमारे अगेंस्ट कोई स्टेप लेता है, कोई कंट्री हमारे विरुद्ध किसी तरह का युद्ध छेड़ता है, तो तब हम लोग उसको एनिमी डिसाइड करेंगे। अदरवाइज वो देश हमारा कैसा है, एक मित्र देश है। कैसा देश है हमारा, एक मित्र देश है। क्लियर। अब आता है यहाँ पे आर्टिकल 13। तो आपको स्टेट पता चल गया, स्टेट की डेफिनेशन क्या है भाई, आप फंडामेंटल राइट अगर किसी से डिमांड करोगे, सीधी बात ये है, अगर आप किसी से फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करोगे तो किससे करोगे, आप फंडामेंटल राइट किसी से तो मांगोगे, घर में अपने माता पिता से मांग रहे हो,
तो यहां पर भी आप किससे मांगोगे? आप जाओगे अपने अधिकारियों से मांगोगे, अधिकारियों से नहीं मांगोगे, एमपी एमएलए के पास जाओगे, अपने स्टेट की लेजिस्लेचर के पास जाओगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टेट की डेफिनेशन क्या है, कौन लोग स्टेट माने जाएंगे। ठीक, फिर आता है यहाँ पे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 किसके बारे में बताता है? तो आर्टिकल 13 हमको यहाँ पे बड़ा ब्यूटीफुल आर्टिकल है, हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते, कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं आर्टिकल 13 को। पर आर्टिकल 13 ये बताता है कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं पर भी एबॉलिश कर रहा है या उनको कम कर रहा है, तो ऐसे किसी भी लॉ को हम लोग क्या कर लेंगे, नल अवॉइड मानेंगे, जीरो मान लेंगे। तो कोई भी ऐसा लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जीरो कर रहा है, ठीक है, सॉरी उसे एबॉलिश कर रहा है, तो ऐसा लॉ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चाहे वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आया हो, या अभी बनाया जा रहा हो, किसी भी कंडीशन में कोई सा भी लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर रहा है या उनको कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उसको क्या कर दिया जाएगा, जीरो मान लिया जाए। क्लियर, ये सिंपल सी बात आर्टिकल 13 हमको यहाँ पे समझाता है। क्लियर, तो यहां पर किस हर एक स्टेट को ये कहा गया है कि हर स्टेट का ये कर्तव्य है कि वह, या हर स्टेट की ड्यूटी है कि वह कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जिससे कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को कम हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट एबॉलिश हो रहे हैं, ये चीज यहां पे कही गई है। क्लियर, आर्टिकल 13। अब आगे बढ़ जाते हैं जरा, हाँ, अब यहां पे आती है एक और इंफॉर्मेशन, क्या आती है, 1978 में सेवंथ जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग, सॉरी अमेंडमेंट 44 के अकॉर्डिंग, 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, और इसे किसमें डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। किसमें डाला गया, 300A में डाला गया। किसमें डाला गया, इसे 300A में डाला गया, इसको ध्यान समझना। 300A में क्यों डाला गया, ताकि ये एक तरह का वैधानिक अधिकार बन जाए, लीगल राइट बन जाए, ठीक है, साथ साथ ये क्या है, एक तरह का ह्यूमन राइट भी है। क्या ऐसा है, ह्यूमन राइट भी है, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है, यहाँ पे बात समझ आई। ये एक हिमाचल का केस हुआ था, देवी करके कोई महिला है जिनके केस पर ये वक्तव्य दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट दिया था। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं, ये जो आर्टिकल है 13, ये हमारे फंडामेंटल राइट के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसको चीज को समझ लो यहाँ पर। तो कुछ साइलेंट फीचर है, दो साइलेंट फीचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है बट अपने आप में क्वालिफाइड है। कैसे, तो एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे कि मान लो एक टाइम ऐसा था जब फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीजें नहीं थी, जैसे राइट टू प्राइवेसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं, पहले राइट टू प्राइवेसी के बारे में डिस्कशन नहीं करते थे, बात समझ में। तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में पहले डिस्कशन था, अब डिस्कशन नहीं है। साथ साथ ये कैसे, ये न्याय संगत भी है, जुडिशियबल भी है। तो ये वही सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई है, सेम इंफॉर्मेशन है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग अपने एक एक राइट को अच्छे से देखना, फंडामेंटल राइट को। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी में कौन सा आता है, 14 से लेकर 18 तक आता है। तो राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले किसके बारे में बात की है, लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भाई किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति की बात की गई, किसी भी व्यक्ति या पर्सन क्या विधि के समक्ष क्या इक्वल राइट दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, विधि के समक्ष इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, और साथ साथ उसको क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। कैसे, तो फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दो लोगों की, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए ने चोरी की, पर्सन बी ने भी चोरी, पर्सन बी की इंटेंशन गलत थी, ठीक है,
रॉन्ग इंटेंशन के साथ गया था ये, और इसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर दिक्कत क्या थी, ये मजबूर था किससे, पॉवर्टी से। इसकी इंटेंशन क्यों, क्योंकि इसे नशा करना था, इसे एंजॉय करना था, तो इसने चोरी कर ली, इसने लोगों को नुकसान पहुंचाया। इसने चोरी की क्या, एक ब्रेड का पैकेट उठाकर। तो पनिशमेंट तो दोनों के लिए ही है, नो डाउट, पनिश तो दोनों को किया जाएगा, दोनों को ही एक समान नजर से देखा जाएगा कि चोरी तो भाई दोनों ने की है, दोनों ने ही पनिशेबल ऑफेंस किया। बट स्टिल यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा, पर्सन ए की क्या गलती थी, क्या मजबूरी थी, और पर्सन ए ने किस इंटेंशन के साथ किया, तो इसको ध्यान रखते हुए भी यहां पे क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन देने की बात की जाएगी। आई होप बात समझ आई आपको। उसी चीज को यहां पर इक्वालिटी वाली इस इमेज के साथ आप लोग समझ सकते हो, क्लियर है यहां पे। आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आ गया सबके। अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट है आर्टिकल 14 में, तो भाई अभी कमेंट करके पूछ लो आप लोग, मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे आंसर दे दूं। जल्दी से बताओ कोई डाउट है तो, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताओ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस बर्थ। इस किसी भी ग्राउंड के ऊपर कोई भी पर्सन किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। हम लोग बोल देते हैं किसी को बिहारी बोल दिया, किसी को चिंकी बोल दिया, गलत है। और सीधी सीधी बात ये सीधे सीधे नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपने इस पर कोई किसी तरह का कोई काम किया, ऑफेंस किया, तो 100% है आपको बिना बेल के गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको बेल नहीं मिल पाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्लियर। फिर यहां पे बात की जाए किसके बारे में, देखो यहां पर जब हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे अलग अलग तरीके से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन भी किया गया। कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया, ये आगे आपका क्या गया, 15A, 15A मतलब 15(1), ठीक है। फिर आता है 15(2), 15(2) क्या बताता है कि 15(1) के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान पर, क्या, क्योंकि इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं यहीं पर लिख रहा हूं, पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर, ठीक है, या किसी स्थान पर जहां पर वो सेवाएं ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है, वहां पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ 15A के अंतर्गत, मतलब इनके अंतर्गत आप भेदभाव नहीं कर सकते, इन सभी के अंतर्गत आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, इन सभी के अकॉर्डिंग किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, ध्यान रखिए ये बात, क्लियर है, आसान है। फिर आता है क्या, यहां पर एक अलग आर्टिकल आता है, कौन सा, 15(3), यहां पर किसके बारे में कहा गया, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, इनके साथ भी आप क्या नहीं कर सकते, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड पर, ये भी चीज आ गई यहां पर। यहीं पर क्या, जो वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसको प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत मिलती है, 15(3) के अंतर्गत मिलती है, महिलाओं के कल्याण के लिए उनको घरेलू हिंसा से बचाने का काम किया जा सकता है। फिर 15(4) आता है यहां पर, 15(4) की बात करें तो ये क्या है, यहां पर बात की जाती है क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर किसी भी एससी या एसटी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, किसी भी ग्राउंड पर मतलब भेदभाव नहीं हो सकता। फिर आता है 15(5), क्लॉज 5, क्लॉज 5 की बात की जाए तो यहां पर क्या आता है, यहां इसको एक्चुअल में ऐड किया गया था 2005 में, 93rd अमेंडमेंट, भाई सब लोग नोट्स बनाते रहो, अच्छे से लिख लो ये सारी चीजें। क्या कहा गया था कि किसी भी सिविल प्लेस पर या ऑर्गेनाइजेशन में किसी
किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति के साथ सिविल प्लेस पर या सिविल ऑर्गेनाइजेशन में भेदभाव नहीं कर सकते, ये चीज कही गई थी। अब आप कहोगे सर एक चीज आती है वो क्या है, 15.6 सबसे इंपॉर्टेंट और हो सकता है एग्जाम में पूछा भी है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेशन। इकोनॉमिकल वीकर सेशन को भी यहां पर क्या किया गया, राइट दिए गए अलग से। कब दिए गए थे, तो 103 अमेंडमेंट था 2019, ठीक है, ये कहा गया कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा इकोनॉमिकल वीकर सेशन को। किसको मिलेगा, इकोनॉमिकल वीकर सेशन को 10% का क्या मिलेगा यहां पर, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये चीज कहां पे कही गई, यहां पे कही गई, क्लियर, कोई डाउट यहां पे। तो आपको सारे के सारे इसकी जो सब क्लॉजेस हैं वो बता दिए, आर्टिकल 15 अच्छे से दिलो दिमाग में बैठ गया आपके। आगे बढ़ते हैं, अब आता है आर्टिकल 16, राइट टू इक्वालिटी। जब लोग यहाँ पे बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में, तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर इक्वालिटी की एक और प्लेस पे आती है, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी। भाई गवर्नमेंट की जो पोस्ट है, जो पब्लिक सर्विसेज की जो पोस्ट है, उनके बेसिस पे भी तो इक्वालिटी दी जाएगी किसी व्यक्ति को या नहीं दी जाएगी, खुद सोचो, दी जाएगी ना एक तरह से बोला जाए तो। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट बनने की, तो उस ग्राउंड पर भी आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। पर ये भेदभाव कैसे बताएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप मतलब भेदभाव नहीं करोगे, कोई भी स्टेट इस तरह का भेदभाव नहीं करेगा, किस ग्राउंड पर, वही सारे ग्राउंड जो आर्टिकल 15 में बताए गए थे। देखो यहां पर क्लियर बात समझे, तो कोई भी स्टेट किसी भी ग्राउंड पर किसी व्यक्ति के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, क्लियर, यहां पे बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। फिर आप कहोगे सर ये तो ठीक है, चलो समझ में आ गया, एससी एसटी वाली बात तो समझ में आती है कि वहां पे भेदभाव होता है, ठीक है, पर ओबीएस वाली, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ओबीसी वाले, इनका क्या है, तो एक मंडल कमीशन बना था, क्या मंडल कमीशन बना था 1973 में बना था, हाँ 1973 में मंडल कमीशन बना, एसपी मंडल करके पर्सन थे उनके नाम पर से, उन्होंने यहाँ पे बोला कि ओबीसी वर्ग है इसको 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर आप सही मायने में देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी वर्ग के लोगों की ही है, किसकी है, ओबीसी वर्ग के लोगों की। अगर ऐसे में ओबीसी वर्ग के लोगों को आप अगर आप इतने बड़े लेवल पर रिजर्वेशन दोगे तो आगे चलकर कैसे चलेगा काम, ये ओबीसी वर्ग आगे चलकर बढ़ जाएगा संख्या, जनसंख्या, क्योंकि आज के टाइम पर ही सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी वर्ग के लोगों की है, तो नो डाउट एक टाइम पर ये लोग बोलेंगे जब हमारी जनसंख्या इतनी तो हमारा रिजर्वेशन भी बढ़ा दो, बोलेंगे ना, और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, बात समझ गई, आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ पे डाउट क्लियर हो चुका होगा, मंडल कमीशन भी पता चल गया। फिर यहाँ पे आता है राइट टू इक्वालिटी में क्या, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आप किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, ये भी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है कंप्लीट, ये भी कंप्लीटली नॉन बेलेबल है, इसमें आपको बेल नहीं मिल पाएगी अगर आप गिरफ्तार होते हो, किस ग्राउंड पर, किसी भी ग्राउंड पर, एक्स वाई जेड, आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड दिए वो भी, और उसके अलावा भी अगर कोई ग्राउंड है तो उस पर भी अनटचेबिलिटी लागू होगी, अगर आप किसी के साथ इस तरह से मिसबिहेव करते हो, अस्पृश्यता करते हो, छुआछूत करते हो तो। पर आप कहोगे सर कोविड, तो कोविड एक अलग कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन में अगर आप किसी के पास जाने से बच रहे हो, किसी को छू नहीं रहे हो, तो वो चीज अलग है, किसी को आइसोलेट कर रहे हो वो चीज अलग है, क्योंकि नो डाउट सबसे ज्यादा आवाज इस बार जो उठी वो कोविड वाली कंडीशन को लेकर उठी, पर ये चीज अंडरस्टेबल है, समझ में आती है लोगों के। फिर यहां पे आता है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 है यहां पर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, या एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में बात की जाती है, तो आर्टिकल 18 यहां पे उपाधियों का अंत करता है, कैसे करता है, तो अगर कोई भी टाइटल आपके परिवार से चला आ रहा है, महाराजा, महाराजा धीराज, राय बहादुर, तो इस तरीके का टाइटल अगर आपके नाम के साथ है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो बात अलग है कि आपने अपने नाम को ही अपना नाम ही अपने राय बहादुर रख लिया,
वो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज आप कोई टाइटल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर क्या है यहाँ पर, यहाँ पे आता है टाइटल ऑफ एकेडमिक एंड मिलिट्री। तो अगर मान लो आपके नाम के साथ लग जाए कैप्टन, मेजर, तो ये टाइटल आप एक्सेप्ट कर लोगे, पर आपके नाम के साथ लगा असिस्टेंट कमांडेंट, तो जब तक जॉब पर हो तब तक आप एक्सेप्ट करोगे। आफ्टर जॉब आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने नाम के साथ लिखोगे रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट या कमांडेंट। इसके अलावा एकेडमिक, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपने वो डिग्री ले रखी है, तो आप अपने नाम के साथ इंजीनियर या डॉक्टर भी लगा सकते हो। क्लियर? फिर आती है यहाँ पे एक और बात कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री के पर्सन से किसी भी तरह की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, किसी भी बाहरी व्यक्ति से आप क्या नहीं कर सकते, सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते बाहरी व्यक्ति से। अगर आपने किसी बाहरी व्यक्ति के साथ सिटीजनशिप एक्वायर की, किसी मतलब किसी बाहरी देश के साथ सिटीजनशिप अगर आपने ली, तो सिटीजनशिप बोलो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, अगर आपने किसी बाहरी देश की से कोई टाइटल अडॉप्ट किया, तो ऐसे में आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आप किसी विदेशी देश से क्या नहीं ले सकते, यहां पर सिटीजनशिप नहीं ले सकते। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहानी है, आगे कहानी आती है राइट टू फ्रीडम। कहां से कहां तक दे रखा, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दे रखा है। सबसे पहले बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स। ये राइट्स कौन कौन से, ये राइट्स हैं अभिव्यक्ति के, राइट्स हैं किसके, अभिव्यक्ति के, एक तरह से बोला जाए राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत बड़े राइट्स हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स एक तरफ और ये फंडामेंटल राइट एक तरफ, किस तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असेंबल द पीस पीस असेंबल द पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, जो आपकी असेंबली होती है उसके लिए राइट है, मतलब कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है बिना हथियारों के। अब यहां पे आप बोलोगे सर शाहीन बाग, जी हाँ बिल्कुल, शाहीन बाग में हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो वो बिल्कुल गलत है। किसान आंदोलन बिल्कुल सही था, मगर जहां पर उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया, लोगों को, देश को नुकसान पहुंचाया, वहां पर वो गलत हो गया, इसके अगेंस्ट चला गया, क्योंकि आपने और भारत के नागरिकों के अधिकारों का हनन कर लिया। टू द फ्रीडम एसोसिएशन ऑफ यूनियन, संघ बनाने की सुनता, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की सीमाओं में कहीं पर भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी आ जा सकते हो फ्रीली, पर इसका मतलब ये नहीं आप राष्ट्रपति भवन में घुस जाओगे, ठीक है। राइट्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे चले जाओगे, वहां का एडमिशन है, वहां पर आपको परमिट है, तो ही आप जा सकते हो। भारत की सीमाओं में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, अब इसमें पहले आर्टिकल 370 आता था जो डिस्प्यूटेड था, आर्टिकल 370 अब वो तो हो गया खत्म, तो अब जम्मू कश्मीर में आप जगह ले सकते हो, ले सकते हो, पर कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है उनको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अलावा नॉर्थ ईस्ट आपका एरिया है। यहां पर क्या है, यहां पर इन्वायरमेंटल रीजन है, उन इन्वायरमेंटल रीजन को अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको क्या जमीन जायदाद वहां पे मिल सकती है, अदरवाइज अगर आप लोग वहां पे जाकर इस तरह से हड़प रहे हो, जगह एक्वायर कर रहे हो, तो वो सब क्या एंक्रोचमेंट में आ जाएगा आपका। क्लियर बात समझ में आई, यहां पे कोई डाउट तो नहीं यहां पे। फिर यहां पे सेटलमेंट के बाद बात करते हैं क्या, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, किसी भी तरह के व्यापार को फॉलो करने की, भाई आप व्यापार या जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो, प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी तरह के ट्रेड या बिजनेस को यहाँ पे एक्वायर कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आता है आर्टिकल 19, आपको क्या देता है, राइट्स देता है कुछ स्पेशल एक तरह से। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट यहाँ पे जल्दी से बताओ। फिर इसमें एक IF करके आता था जो अब खत्म कर दिया गया, अब तो खैर ये तो जी था जो यहाँ पे मैंने F लिख दिया, सॉरी फॉर दिस, ये हमारा जी था। F जो था 19F वो बीच में आता था 19F, ये क्या, ये वही राइट टू प्रॉपर्टी था जिसे हम लोगों ने समाप्त किया, तो राइट टू प्रॉपर्टी यहां पर भी था और 31 में भी था, दोनों जगह से इसको क्या किया गया, खत्म किया गया। क्लियर है यहां पर, कोई डाउट यहां पे जल्दी से बताओ। अब
आगे बढ़ जाते हैं हम। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 की यहाँ पे बात करें तो ये किसके बारे में बात करता है? अच्छा यहाँ यहाँ पर एक चीज और रह गई, ये छोटी सी जो मैं बताना भूल गया। ये आता है यहाँ पर बहुत सारे और भी राइट्स हैं। ये राइट्स कौन कौन से? तो ये राइट्स आता है राइट टू प्रेस। कौन सा? राइट टू प्रेस। भाई नो डाउट मीडिया प्रेस उसी की बात हो रही है, छापने का, लिखने का, मीडिया में चीजों को लेकर आने का क्या अधिकार। राइट टू इंटरनेट, इंटरनेट का अधिकार, ठीक है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण मतलब प्राइवेसी, प्राइवेसी राइट, डेटा संरक्षण वाला जो आता है वो भी इसी के अंतर्गत है। फिर इसी के अंतर्गत आता है क्या हमारा? राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे आप लोग क्या बोलते हो शॉर्ट में आरटीआई बोलते हो। क्या बोलते हो? आरटीआई बोलते हो। ये भी क्या है? इसी का हिस्सा है। राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 का ही क्या है? हिस्सा है। याद रहेगी ये बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, कई बार आता है। अब आते हैं आर्टिकल 20 पर, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द ऑफेंस। अगर आप कोई अपराध कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या संरक्षण दिया जाएगा? जब तक अपराध साबित ना हो जाए, जब तक ये चीज सामने ना आ जाए किसी एक्स वाई जेड पर्सन ने किसी पर्टिकुलर अपराध को यहां पर किया है, तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो विधि के समक्ष मतलब न्यायालय के समक्ष आपका अपराधी घोषित होना यहां पर क्या है? मैंडेटरी है। उसके बिना आपको यहां पे अपराधी नहीं माना जा सकता। क्लियर? साथ ही साथ यहां पे क्या था कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए एक बार से अधिक पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की, उसी सेम चोरी के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। क्लियर? फिर आता है यहां पे तीसरा क्लॉज 23, वो सॉरी 20 क्लॉज 3। कौन सा है? कि किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने विरुद्ध यहां पर क्या दे? गवाही दे। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध किसी तरह का स्टेटमेंट बोलने के लिए, विटनेस बनने के लिए यहां पर किसी को भी नहीं कहा जा सकता। क्लियर है यहां पे बात? बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं यहां पे? तो देखो आसान था यहां पर। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बारे में बात हो रही है, आर्टिकल 21 के बारे में बात हो रही है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता और उसके व्यक्तिगत अधिकार, उसकी लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम एक तरह से बोला जाए, उसका अधिकार कि राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का यहाँ पे हनन हो, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार यहाँ पे चले जाए, उनसे वो वंचित हो जाए, ऐसा कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसी के अंतर्गत क्या आपका जॉब करना भी आता है, इसी के अंतर्गत आपका पढ़ाई करना आता है, एजुकेशन का राइट भी आता है। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? आर्टिकल 21। अब आप कहोगे सर 21 तो में तो बहुत सारी चीजें आती है। बिल्कुल आती है। सबसे पहले यहाँ पे 21 में आता है क्या? एक केस हुआ था ए के गोपालन बनाम मद्रास, मद्रास राज्य का 1950 में। तो यहां पे गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी क्या आया था? क्या गिरफ्तारी के संबंध में अरेस्ट जो हुआ था, अरेस्ट की इंफॉर्मेशन, जानकारी देने की बात कही गई थी कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। कौन सा केस था? एके गोपालन, ठीक है, वर्सेस मद्रास स्टेट। फिर यहां पे आता है एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
संघ, या फिर कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में, ये हुआ था 1978 में, संजय गांधी के मरने के बाद। अब इस केस में क्या हुआ, यहां पर ये बोला गया भैया मैं विदेश जाना चाहती थी, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है, मुझे जाने नहीं दे रहे, तो यहाँ पे विदेश जाने का अधिकार आ गया। क्या मतलब फॉरेन जाने का, विदेश जाने का अधिकार, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया था। ये भी आपकी पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है ना, क्लियर? फिर यहां पर इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आई। कौन कौन सी चीजें आई यहां पर मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आता है क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन क्लीन एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, राइट टू एजुकेशन। तीसरा पॉइंट यहां पे क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन राइट। फिर आता है यहां पर क्या, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी जो पर्सनल डिग्निटी या फिर बोला जाए। इनमें से किसी भी चीज के बारे में अगर बात होगी तो ध्यान रखना यहां पे हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी की बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें आती हैं। इसके अलावा यहां पर क्या, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपनी खुद की लाइफ का राइट आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड का भी राइट मिल जाए। तो किसी भी पर्सन को क्या, सुसाइड का राइट नहीं है, इसको एबॉलिश किया गया, कोई भी पर्सन सुसाइड यहां पर नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? फिर इसके अलावा विदेश जाने के साथ साथ यहाँ पे आता है एकांतता का, मतलब आइसोलेट होने का, कि भाई मैं चाहता हूँ मैं एकांत में रहूं, ठीक है? फिर एकांत के साथ साथ यहाँ पे क्या, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात आती है। सोशल जस्टिस की बात आती है। सोशल जस्टिस के अलावा यहाँ पर क्या, सार्वजनिक फांसी भी नहीं दी जा सकती, ठीक है? पब्लिक हैंग जो होता है, टिल डेथ वाली कंडीशन होती है, सार्वजनिक रूप से लटका दिया जाए किसी को, वो भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, क्लीन इन्वायरमेंट, वो तो मैंने बता दिया, क्लीन वाटर एंड एयर की बात होती है, क्लीन वाटर एंड एयर ये देने की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, ठीक है? अपनी मर्जी से शादी की बात होती है, ठीक है? राइट टू मैरिज की बात होती है, ठीक है? हेल्थ की बात होती है, ठीक है? तो ये सारे राइट्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि आपको हेल्थ में अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भाई चीज शायद बोली थी, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप। ये रामदेव वाला एक केस हुआ था, आपको याद होगा, दिल्ली में रामदेव को पकड़ने की कोशिश की गई थी रात को 1 बजे, तो राइट टू स्लीप वहां से आया था। कोर्ट ने बोला नहीं, सबको सोने का अधिकार है, पुलिस यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को 7 से 8 घंटे कम की नींद यहाँ पे नहीं लेने दे सकते, इतनी नींद तो जरूरी जरूरी है सबके लिए, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये सारे राइट्स यहाँ पे आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है 21A। अभी हम लोगों ने एजुकेशन राइट की बात की, तो 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पर क्या, कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती है, कि स्टेट यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा बच्चों को 6 से 14 साल तक के। कौन सा अमेंडमेंट था, तो 86 अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत ये क्या अधिकार दिया गया था, एक तरीके से ये नागरिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? आर्टिकल 21A जो कि हमें किसका अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। आगे चलकर 2009 में, या 2009 में एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है उसके लिए परमानेंट बिल लेकर आए थे ये लोग, पर उससे पहले यहाँ पर ये चीजें हो चुकी थी। तो 86 अमेंडमेंट 2002 राइट टू एजुकेशन यहाँ पर लेकर आए थे, ठीक है? फिर आता है यहाँ पे 22nd अमेंडमेंट। 22nd अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे आता है क्या,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, अगर आपको किसी भी केस में गिरफ्तार किया जाता है, उठाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो यहां पर आपको क्या कुछ अधिकार है। पहली चीज क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई आपको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज क्या करनी पड़ेगी आपको पहले बतानी पड़ेगी, कारण देना पड़ेगा हिरासत में लेने का, गिरफ्तार करने का क्या रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कस्टडी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और क्या है यहां पर चीज, 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर 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 क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। 24 आवर्स में क्या करना पड़ेगा आपको, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और क्या अधिकार यहां पर दिया जाता है आपको, अपनी पसंद का वकील कर सकते हो, क्या अपनी पसंद का वकील कर सकते हो, मतलब कंसल्ट करने का जो राइट होता है वो भी आपको यहां पे दिया गया है। तो 24 आवर्स में जज के सामने कंसल्ट करने का अधिकार और यहां पर गिरफ्तारी का रीजन जानने का अधिकार, ये तीनों अधिकार आप लोगों के। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर क्या कर रहे हो, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ऑनलाइन अगर एफआईआर थे आप ऑनलाइन भी एफआईआर की जानकारी ले सकते हो। अगर आपको गिरफ्तारी के बारे में किसी भी पर्टिकुलर पुलिस वाले की तरफ से फोन आता है तो आप क्या करोगे, तुरंत उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन से या फिर आप खुद उसके बारे में इंटरनेट पर जाकर एफआईआर की जांच कर सकते हो कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, एक होता है कंप्लेंट करना है या किसी के बारे में कंप्लेंट कर देना पुलिस में जाकर, और एक होता है क्या यहां पर गिरफ्तारी होना, एफआईआर होना, इसके बाद गिरफ्तार होता है व्यक्ति। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कंप्लेंट में पुलिस वाले कह सकते हैं आ जाओ जरा बातचीत करनी है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, वो चीज अलग है। और ये गिरफ्तार होना बिल्कुल अलग चीज है, अरेस्ट होना बिल्कुल अलग चीज है। और अगर अरेस्ट होता भी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करना क्या यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर नहीं करता है तो ऐसे में पुलिस के अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। ये क्लियर है, क्लियर। फिर यहां पर एक चीज और आती है, आगे चल के कुछ और सर्टन राइट्स होते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को 3 मंथ से अधिक क्या गिरफ्तार नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। 3 मंथ से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करेंगे, यहां पर अरेस्ट नहीं कर सकते। ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। 3 मंथ से ज्यादा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी यहां पर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अगर करनी है तो उसके लिए क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अगर 3 महीने से अधिक की गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की। क्लियर। साथ साथ यहां पे क्या आपको कंप्लीट राइट दिया जाता है कि आप चाहे तो अपना खुद का क्या यहां पे पक्ष रख सकते हैं, अपने केस को खुद से क्या कर सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं। ये भी राइट यहां पर ही दिया जाता है आपको। क्लियर। पर कुछ सर्टन चीजें हैं जहां पर ये राइट्स एबॉलिश हो जाते हैं। कौन से वो सर्टन एरियाज हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी एनिमी कंट्री से एनिमी नेशन से या एनिमी एलियन है तो ऐसे में ये राइट उसको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ये सारे राइट्स उसको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर वो देश विरोधी कोई एक्शन लेता है तो ऐसे में भी वो अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। एंटी नेशन अगर कोई ले रहा है, अगर कोई एक्शन है तो भी वो उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। तो वही सारी बातें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, सारी कस्टडी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें फाइनली यहां पर आती हैं। क्लियर। तो फाइनली आर्टिकल 22 तक हम लोग फाइनली देख चुके हैं। अब आगे के जो आर्टिकल्स हैं हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से शुरू करेंगे, पर उससे पहले आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी था, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम लोग इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। पर उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने के बाद प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। प्लीज आप लोगों के सामने मैं एक सोशल मैसेज हमेशा लेकर आता हूँ, प्लीज सेव वाटर, सेव सॉइल एंड सेव ट्री। गर्मियों में हमको पानी और पेड़ की याद आती है, परंतु इसे हमेशा बचाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।
जय हिंद।